हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी। वीडियो को पूरा देखिएगा, रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बनाते हैं। चुकंदर के साथ पापड़ बनाने के लिए ये मैंने दो चुकंदर लिया है, छोटे साइज का। इनको अच्छे से छील करके धुल लिया है। अब इसको इस ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। अब चुकंदर ग्रेट हो गया है। ये मैंने छोटे साइज के दो चुकंदर लिए थे, अगर आपको बड़ा साइज हो तो एक ही चुकंदर लीजिए। अब इसको डालेंगे एक मिक्सर जार में, इसमें डाल लेते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ये आधा कप पानी मैंने लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, थोड़ा सा डाल लेते हैं। अब इसका पेस्ट बना लेते हैं। अभी पेस्ट बन के रेडी हो गया है, अभी जो पानी है पूरा डाल लेते हैं इसमें। अब पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा स्पून से घोल लेते हैं। अब इसको एक छन्नी से छान लेंगे। अब एक बाउल रख लेते हैं। अब इस बाउल में इस छन्नी को रख लेते हैं। छन्नी कोई भी हो आपके पास वो आप ले सकते हैं। अब इसको इसी में डाल लेते हैं, इसका पेस्ट को। अब एक स्पून से अच्छे से दबा दबा के इसका रस निकाल लेते हैं। अब ये चुकंदर में जो पानी था अच्छे से छन गया है, ये देखिए सूखा सूखा सा बचा है। अब इसको हटा देते हैं। अब चुकंदर का सारा रस निकल आया है गाढ़ा सा, ये देखिए। मैंने इसको मोटी छन्नी से छाना है तो गाढ़ा रस निकला है। अब चलते हैं गैस की तरफ। अब गैस में एक भारी तले का बर्तन रख देते हैं। मैंने ये कढ़ाई रख दी है, आप चाहें तो भगोना भी रख सकते हैं, लेकिन भारी तले का हो। अभी गैस को ऑन नहीं करेंगे, पहले सारी सामग्री को डाल लेते हैं, उसके बाद गैस को ऑन करेंगे। अब इसमें डालेंगे एक कप मैदा। अब इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी। मैदे में टोटल 2 कप पानी पड़ेगा, 1.5 कप मैंने मैदे में डाल लिया है, आधा कप चुकंदर में डाला था। अब चुकंदर का पानी भी इसी में डाल लेते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गांठें ना पड़ने पाए, उसके बाद ही गैस को ऑन करेंगे। ये देखिए मैदा और चुकंदर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, नमक थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि सूखने के बाद नमक ज्यादा हो जाता है। अब इसको भी घोल लेते हैं। अब नमक भी अच्छे से घुल गया है, अब गैस को ऑन कर लेते हैं। गैस को लो फ्लेम में करके लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि गाढ़ा न हो जाए। इसको बिल्कुल डो जैसे बनाना है, जैसे आटा गूंथते हैं ना, बस उसी तरह बन जाएगा ये। मैं इसको कई बार ट्राई कर चुकी हूँ, आप लोग जरूर बनाइएगा। ये जलेबी पापड़ बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, और कलर तो बहुत ही सुंदर लगता है। कोई कलर नहीं इसमें पड़ा है, केवल चुकंदर का रस पड़ा है, एकदम नेचुरल कलर, कोई आपको नुकसान भी नहीं करेगा। आप लोग बनाइएगा और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि पापड़ कैसे थे, सॉरी जलेबी पापड़। ये देखिए कैसे गाढ़ा होने लगा। हाथ को बराबर चलाते रहिए, नीचे तले में लगने न पाए। गैस को लो फ्लेम में ही रखें। ये देखिए मैदा अच्छे से गाढ़ा हो गया है, ये डो की फॉर्म में आ गया है। ये देखिए अभी ठंडा होगा तो और भी गाढ़ा हो जाएगा, और अच्छे से पक भी गया है। देखिए शाइनिंग आ गई है, इसका मतलब पक गया है। इसको पकने में 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। अब गैस को ऑफ कर देते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं। अब जब थोड़ा सा गुनगुना रह जाएगा तभी इसको फैलाएंगे। अभी मैदे का डो ठंडा हो गया है, हल्का गुनगुना रह गया है, काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है देखिए। अब चलते हैं इनको फैला लेते हैं। अब टेबल में एक सीट बिछा लिया है, इसको तेल से ग्रीस कर लिया है। पतली सी सीट बिछा लीजिए, कोई भी सीट हो आपके पास। मैं इनको पंखे की हवा में सुखा रही हूँ, आपके यहाँ धूप हो तो धूप में आप सुखा लीजिए, जल्दी सूख जाएंगे। पंखे में तो 2 दिन लग जाते हैं सूखने में। अब मैं इनको मशीन से बनाऊंगी, मेरे पास ये मशीन है, इसको मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है अच्छे से। जो ये तवा लगाएंगे, ये मोटा वाला है, ये देखिए, इसको इसी में लगा लेते हैं। अब इसी में बैटर को भरेंगे।
ये देखिए एकदम गाढ़ा हो गया है, ये एकदम डो जैसे बन गया है। अभी मशीन को अच्छे से बंद कर लेते हैं। हम मशीन को थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे और रोक देंगे तो ये गिर जाएगा। ये देखिए अब इसी तरह दूसरा डालेंगे, फिर रोक देंगे, फिर गिर जाएगा। थोड़ा सा घुमाइए और रोक दीजिए तो ये देखिए जलेबी जैसे गिर रहे हैं। अब इसी तरह सारे बना लेने, अब सारे जलेबी पापड़ फैल गए हैं। अब फैन चला के छोड़ देंगे, अब इनको सूखने देते हैं। 2 दिन हो गए हैं ये पंखे की हवा में सूख गए हैं जलेबी पापड़, ये देखिए। अब इसको एक ट्रे में उठा लेते हैं। वैसे तो ये जलेबी पापड़ सूख गए हैं लेकिन इसको आधे घंटे के लिए धूप में रख देते हैं, अगर थोड़ी बहुत नमी होगी तो ये भी सूख जाएगी। आधे घंटे में ही मैंने ये जलेबी पापड़ को धूप से उठा लिया था, ये अच्छे से सूख गए हैं। अब काफ़ी टाइम हो गया है, ये ठंडे हो गए हैं, लगभग 1 घंटा पहले उठाया था मैंने। अब इनको फ्राई करेंगे, चलते हैं गैस की तरफ। अब कढ़ाई में ऑयल रख देंगे गर्म होने को, गैस को मीडियम फ्लेम में कर लेंगे। अब ऑयल को गर्म होने देते हैं, उसके बाद पापड़ को डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब थोड़ा सा डाल के टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए इसका मतलब ऑयल गर्म हो गया है। अब इसको हटा देते हैं, ऐसे में डाल डाल के भून लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया, कितने बड़े बड़े फूल रहे हैं। ये देखिए ये जलेबी पापड़ बनके तैयार हैं। आप लोग बना के जरूर टेस्ट कीजिएगा। अब मुझे कमेंट कीजिएगा कि पापड़ कैसे थे। मैं इनको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।